तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीसी का जो साउंड क्वालिटी है वो हम हमारे मॉनिटर के साथ, जैसे कि स्क्रीन के साथ ज्वाइन करने वाले हैं, उसका कनेक्शन कैसा रहता है। जैसे कि कई बार हम ऑक्स केबल के साथ भी जोड़ देते हैं लेकिन बीप का आवाज़ आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बीप का आवाज़ प्रॉपरली कम्प्लीटली ऑफ कैसे करना है। उसके साथ साथ साउंड क्वालिटी में हम जब सॉन्ग प्ले करते हैं उस टाइम पर, सॉन्ग में जब बेस बजता है उस टाइम पर हमारा साउंड क्वालिटी बहुत धीमी तरीके से या घट जाता है, तो उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। और यहाँ पर हमें कौन सी केबल चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक जो हमारी 3.5 mm जैक दोनों भी साइड होने वाली है, पर ऐसी ऑक्स केबल है, और दूसरी साइड जो हमारी होम थिएटर की ऑक्स केबल होती है वैसी है। जैसे कि एक साइड में ऐसा 3.5 mm जैक रहता है और एक साइड से ऐसा। तो यहाँ पर हमारा जो साउंड क्वालिटी जैसे कि साउंड होता है वो ट्रांसफ़र करने का काम ये करेगा, और हमारा जो बेस का साउंड क्वालिटी होती है, साउंड की बेस होता है वो ट्रांसफ़र करने का काम ये करेगा, और उसके साथ साथ इसका जो घटिया क्वालिटी का साउंड आता है उसे भी ये रिकवर करके अच्छी क्वालिटी का साउंड दे देगा। तो यहाँ पर हमारा इनबिल्ट साउंड इसमें ही है, जैसे कि हमारे स्क्रीन में। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि बीप का आवाज़ कहाँ पर बंद हो जाता है और कहाँ कैसे आ जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली, यहाँ पर कोई भी साउंड का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर हम मॉनिटर का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्टली इसका जो बीप का आवाज़ है वो सुना देते हैं। उसके बाद ऑफ करने के बाद भी आपको सुना देते हैं और एक सॉन्ग NCS सॉन्ग प्ले करके भी आपको सुना देते हैं कि कैसा इसका साउंड आ जाता है। हम जैसे कि हमारे जो स्क्रीन है उसका साउंड फुल्ली कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 100 ही कर देते हैं, पूरा फुल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फुल 100 हो चुका है, तो यहाँ पर हम आपको साउंड का जो आवाज़ बीप का आ रहा है वो आपको सुना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर साउंड आ रहा है। उसके बाद हम जो हमारा जो सिंपली जो ऑक्स केबल रहता है दोनों साइड भी 3.5 mm जैक वाला, वो पहले हम इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं एक सिरा, तो उसके बाद आवाज़ सुनना। तो जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि कितनी बीप की आवाज़ आ रही है। उसके बाद हम जब ए वाला यहाँ पर उस मॉनिटर में लगा देंगे, उसके बाद भी आवाज़ बहुत चेंज हो जाती है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बीप की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप सुनते रहना इस आवाज़ में कितना बदल होता है। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम ऑक्स केबल, जैसे कि ए वाली ऑक्स केबल लगा देते हैं। उससे पहले आपको साउंड प्ले करके दिखाते हैं कि इस ऑक्स केबल के साथ कितना आवाज़ आ रहा है NCS साउंड का। यहाँ पर भी बहुत सारा बीप का आवाज़ आ रहा है, लेकिन जब हमारा साउंड प्ले ही रहेगा और उसके बाद में ये जो हमारी होम थिएटर की ऑक्स केबल होती है उसे इनपुट कर दूंगा, उसके बाद का आवाज़ आप डायरेक्टली चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी भी आवाज़ सुनना और मैं प्ले भी कर देता हूँ। पूरा प्रॉपरली आवाज़ बीप का बंद ही हो चुका है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है साउंड का, लेकिन यहाँ पर प्ले साउंड करने के बाद भी जैसे कि बेस का आवाज़ है वो भी बढ़ चुका है।
तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर आपकी जो साउंड क्वालिटी है कंप्यूटर की बढ़ा सकते हैं, और जब बेस बजता है उस टाइम पर भी साउंड क्वालिटी बहुत घट जाती है उस केबल की, जैसे कि होम थिएटर की ऑक्स केबल की मदद से आप वहाँ पर आपकी साउंड क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इस चैनल पर ज़्यादातर इस तरीके की वीडियोज़ नहीं आती है, आपके कमेंट पर ही आ जाती है, लेकिन मेरे इस चैनल पर ज़्यादातर टिप्स एंड ट्रिक्स ही, जैसे कि यूट्यूब के रिलेटेड या सोशल मीडिया के रिलेटेड ही ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।